नमस्कार किसान भाई, आज फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा। किसान भाई, यूट्यूब पर टमाटर की खेती करने के तो हज़ारों वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन मैंने खुद सर्च मारा तो जो टमाटर की रोपाई करने का जो तरीका है उस पर मुझे अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला जो सही जानकारी प्रोवाइड कर सके। ज़्यादातर तरीकों में टमाटर की जो खेती है वो महंगे तरीके ही बताए गए हैं, कि चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की विधि द्वारा सिंचाई की विधि लगा के टमाटर की खेती करना हो, या जो बेड बनते हैं उन पे पॉलीथीन जिसे फिल्म बोलते हैं वो बिछाकर खेती करना हो, या बांस लगा के और तार लगा के टमाटर की खेती करना हो। लेकिन आज मैं आपको 90% जो किसान यूज करते हैं वही तरीका बताऊंगा, सादा तरीके से हम टमाटर में अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, भूमि चुनाव करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखें, जिस भी खेत का चुनाव हम करें उसकी मिट्टी जो है बलुई या दोमट हो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। उसके बाद हमें एक एकड़ में 10 से 12 टन जो है गोबर का खाद डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ट्रैक्टर से कल्टीवेटर की सहायता से 2-3 बार गहरी जुताई कर लें, उसके बाद से एक बार रोटावेटर चला के खेत को भुरभुरा एवं मुलायम बना लें। उसके बाद किसान भाइयों, हमें जो बेड बनाने हैं, हमारे बेड की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रहे, और जो बीच में नालियां जो बनेंगी उसकी नालियों की चौड़ाई 1 फीट हमें रखनी है, क्योंकि हमें नालियों में ही पानी देना है। जो बेड है वो हमारा पूरी फसल, जब तक फसल रहेगी तब तक उस पर पानी नहीं देना है, वो सूखा ही रहे। अगर आपकी जो नालियां हैं वो अच्छी तरीके से बनाओगे जिससे कि पानी जो है हमारे बेड पे कटके ना पहुँचे, नालियों को थोड़ा गहरा रखना है, बेड ऊंचा अपने आप हो जाएगा जब नालियां गहरी रहेंगी, तो हमें नाली की साइड में जो है टमाटर का पौधा लगाना है। टमाटर के पौधे को लगाते समय टमाटर के पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हमें 1 से 1.25 फीट रखनी है। दोबारा समझ लें, पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 से 1.25 फीट रखनी है, और बरे की जो चौड़ाई है हमें, जो जिसे नाली है जो बीच में हमारे देसी भाषा में बरा बोलते हैं, इसको जो है 1 फीट चौड़ा रखना है, और बेड को जो है 1 से 1.25 मीटर तक चौड़ा रखना है, जिससे हमारी दोनों तरफ से टमाटर के पौधे जब फैलेंगे, जब उनको विकास होगा, तो वो पूरी जो हमने जो पटला बीच में छोड़ा है, जो बेड छोड़ा है वो पूरा ही कवर रहेगा, और ये पूरा जगह जो है वो ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, तो हमारे फल सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। यदि आप चाहते हैं कि टमाटर का फल बिल्कुल भी ना सड़े, तो आप जो बेड हमने जो छोड़ा है बीच में उस पर क्या कर सकते हैं, चाहे तो मिर्च की हमारी सूखी हुई लकड़ियाँ हों, या बाजरा के जो फटेरे होते हैं उनको भी बिछा सकते हैं, पुआल को भी बिछा सकते हैं, धान का जो प्याल होता है पुआल होता है उसको भी बिछा सकते हैं। तो ये आपके फ्री वाले तरीके हैं, इनमें आपको कोई कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको भी बिछा सकते हैं आप, जिससे हमारा टमाटर जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। अब किसान भाइयों, बात करें बीज की क्वालिटी के बारे में, तो हमने जो लगाई है वो सेमिनेस कंपनी की अभिलाष है, जो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इसका जो फल होता है वो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, ज़्यादा समय तक हम इसको रख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा किसान भाइयों। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।